हेलो फ्रेंड, माय नेम वसीम मंसूरी एंड टुडे वी आर लुक पेरल सॉफ्टवेयर हाउ टू मेंटेन इन टेली ईआरपी। फर्स्ट हम सबसे पहले टेली को ओपन करेंगे और हमारी कंपनी जिसमें हम पेरल ऑपरेट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके रखेंगे। पेरोल ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए F11 प्रेस करेंगे। F11 कंपनी फीचर्स विंडो की शॉर्टकट की है। इसमें हम अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में हम मेंटेन पेरोल एंड मोर देन वन पेरोल अपॉन कॉस्ट कैटेगरी दो ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। मेंटेन पेरोल एंड मोर देन वन पेरोल अपॉन कॉस्ट कैटेगरी एंड आफ्टर वी प्रेस इंटर एंड इंटर एंड लास्ट वी एक्सेप्ट। स्केप का यूज करके फिर से हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मास्टर में नया इंक्लूड होगा, पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो में हम इंक्लूड होंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले वर्क यूनिट रेडी करना है। वर्क यूनिट पेरोल में वर्क यूनिट का वर्क होता है, अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसका जो ओवर टाइम होता है वो आवर में काउंट होता है, इसलिए वर्क यूनिट रेडी करना इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्क यूनिट क्रिएट, सिंपल टाइप मिनट, नंबर ऑफ डेसिमल प्लस जीरो, नेक्स्ट एचआर आवर्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लस वी पुट टू एंड इंटर। आपने देखा हमने दो जो यूनिट है रेडी की है, डिस्प्ले में जाकर चेक कर सकते हैं, एक आवर और एक मिनट। अब हमें एक कंपाउंड यूनिट रेडी करना है जो हम यूनिट में जाकर क्रिएट से ही करेंगे। सबसे पहले हम जो टाइप है वहाँ पर जाना है बैक स्पेस का यूज़ करके। यहाँ पर हमें कंपाउंड लेना है और फर्स्ट यूनिट हम लेंगे आवर एंड आवर ऑफ 60 मिनट्स। उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। यह हमारा फर्स्ट वर्क होता है वर्क यूनिट रेडी करने का। सेकंड जो हमारा वर्क है नेक्स्ट है अटेंडेंस टाइप रेडी करेंगे। अटेंडेंस टाइप अटेंडेंस मतलब एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस होती है, जैसे अगर किसी एम्प्लॉय सिक लीव लेता है SL तो उस पर पे करना है या नहीं करना है, एब्सेंट करता है तो उसे पे करना है नहीं, और ओवर टाइम करता है तो उसको जो अमाउंट देना है वो कैसे देना है, ये कहलाता है हमारा अटेंडेंस टाइप। तो इसको रेडी करने के लिए हम टैली में आते हैं और अटेंडेंस टाइप पेरोल इन्फो में सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट, सिक लीव अंडर प्राइमरी अटेंडेंस टाइप में लीव विद ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। एब्सेंट प्राइमरी अटेंडेंस टाइप में हमें लीव विदाउट पे मतलब हम इसमें पे नहीं करते हैं पेमेंट। नेक्स्ट ओवर टाइम अटेंडेंस टाइप, इसका हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे आवर ऑफ 60 मिनट जो हमारी कंपाउंड यूनिट हमने रेडी की है एंड एक्सेप्ट। अगला वर्क होता है हमारा पे हेड तैयार करने का। पे हेड आपने देखा होगा किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक DA HRA NTA
सब मिलाकर रेडी होती है, ये पेहेट कहलाते हैं। तो आइए हम भी पेहेट तैयार करते हैं, डेली में आते हैं। पेहेट रेडी करने के लिए हम पेहेट टेली इन्फो में आएंगे, इंटर। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक। बेसिक जो होती है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होती है, इनकम, ठीक है, इनकम ये एक्चुअल में होती है फिक्स, और अंडर ये होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी, और इफेक्ट नेट सैलरी, यस, नेम अपेरेंट पे स्लिप, पे स्लिप में बेसिक के नाम से बताना है। ग्रेजुएटी का उपयोग, बेसिक और डीए पे किया जाता है अगर ग्रेजुएटी आपके यहाँ पर लागू है तो। इनकम टैक्स डिटेल इस पर यस नहीं करेंगे। कैलकुलेशन, देखिए जो बेसिक होती है इसके बारे में हमें कुछ मालूम होना चाहिए कि बेसिक जो होती है ऑन अटेंडेंस पे की जाती है, मतलब पर्सन जितने दिन वर्क करता है उसके हिसाब से बेसिक तैयार होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस लीव विथ पे हम लेंगे सिक लीव, और कैलकुलेशन पीरियड हम यहाँ पर चलेंगे मंथ के हिसाब से, और पर डे कैलकुलेशन बेसिक हम लेंगे यूज़र डिफाइंड, मंथ ऑफ 30 डेज, मतलब हमने डिसाइड किया कि 1 मंथ होगा 30 दिन के बराबर। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमने जो लिया है वो है डीए। डीए मीन्स डीएनएस अलाउंस। नेक्स्ट पे हेड हम रेडी करेंगे टीए। टीए जो हमें देना है फ्लैट रेट पर देना है, तो इसको रेडी करने के लिए हम टैली में आते हैं। यहाँ पर लेंगे हम टीए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स। देखिए टीए भी कंपनी के लिए तो खर्चा ही है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट सैलरी इससे इफेक्टिव होगी। पे स्लिप पे टीए के नाम से बताना है। ग्रेजुएटी का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। कैलकुलेशन हमें फ्लैट रेट के हिसाब से करना है मंथली। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम रेडी करेंगे पे हेड ओवर टाइम। ओवर टाइम भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, इनकम उसके लिए फिक्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इफेक्ट नेट सैलरी, यस, ओवर टाइम के नाम से पे स्लिप पे शो करना है। जो कैलकुलेशन टाइप है इस बार होगी ऑन प्रोडक्शन, मतलब कितने जितने टाइम वो वर्क करता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग टाइप हम लेंगे इसमें ओवर टाइम। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट इसमें हम लेंगे ओवर टाइम के बाद ग्रेजुएटी ऑन कंडीशन। देखिए जो पेहेड हम रेडी कर रहे हैं, पेरोल इन्फो में जाकर हम जो पेहेड बना रहे हैं उसमें क्रिएट में जाकर जो हम पेहेड रेडी कर रहे हैं उसमें जो ग्रेजुएटी के लिए आपको ग्रेजुएटी एक 1972 के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ग्रेजुएटी जो है स्टार्टिंग के 5 ईयर तक एम्प्लॉय पर लागू नहीं होती हैं, अगले 5 साल के बाद एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है और फिर कंपनी ग्रेजुएटी का पे करती है लास्ट में। तो हम बनाते हैं ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी जो है पेहेड टाइप है और इसमें हम लेंगे डायरेक्ट ग्रेजुएटी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय की जगह हम लेंगे ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी डे ऑफ मंथ जो होता है
ग्रेजुएटी डे ऑफ मंथ मतलब कैलकुलेशन ग्रेजुएटी के कितने दिनों पे होती है वो इसमें हमें बताना है। तो ये होती है 15 डेज। और 1 to 60 मतलब 1 से 60 महीने तक ग्रेजुएटी नहीं दी जाती है। और 61 मतलब 61 मंथ है, 5 ईयर आफ्टर। ठीक है, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन पर ईयर, सॉरी, हम यहाँ पर लेंगे 30 ग्रेजुएटी डे ऑफ मंथ, एंड यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे 15, मतलब कैलकुलेशन जो होगी ग्रेजुएटी की 15 दिन के बराबर होगी। और अंडर ये हम कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है क्योंकि एम्प्लॉय को देना होता है। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स एक तरह का टैक्स है, ये एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन में लिया जाएगा। और स्टेटरी पे हेड में एक मिनट, इसको लेंगे हम प्रोफेशनल टैक्स है, ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा। तो इसमें हम ले लेते हैं डिडक्शन फॉर्म एम्प्लॉय। और ये जो है एक मिनट, जी हाँ, इसमें पेड टाइम में एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन ही लेंगे। और उसके बाद में जो स्टेटरी पेड टाइप है इसमें प्रोफेशनल टैक्स आपको एक मिल रहा होगा वर्ड, वो लेंगे। कंपनी के लिए ये अंडर एक ड्यूटी एंड टैक्स कहलाएगा क्योंकि टैक्स पे करना होगा कंपनी को। नेट सैलरी से इफेक्टिव होगी। कैलकुलेशन जो है इसमें हम जो करेंगे मंथली करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। और जो प्रोफेशनल टैक्स है ग्रोथ सैलरी पे निकलता है, इसलिए ऑन करंट सब टोटल कंप्यूट करेंगे हम, इफेक्टिव करेंगे। और इसमें हमें यह स्लैब रेडी करना है कि कितनी अमाउंट के ऊपर से प्रोफेशनल टैक्स लगना है। मान लीजिए 10,000 पे हमें कोई टैक्स नहीं देना है, पर 10,000 से 15,000 पर 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। और 15,000 से ऊपर पे 300 रुपये प्रोफेशनल टैक्स मंथली डिडक्ट होगा। ये स्लैब हम इस तरह से रेडी कर सकते हैं और उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट जो हम बना, ये हमने सब बना दिए हैं। एक हमें बनाना है पीएफ का प्रोविडेंट फंड के नाम से। पीएफ जो होता है फ्रेंड, जो मैं बात कर रहा था पीएफ के बारे में, तो पीएफ जो होता है एक तरह से कंपनी की लायबिलिटी होती है कि उससे कंपनी को पे करें, इसलिए हम इसमें लेंगे डिडक्शन फॉर्म एम्प्लॉय। एंड एक्चुअल में कंपनी की लायबिलिटी, इसलिए करंट लायबिलिटी लेंगे। इफेक्ट नेट सैलरी यस पीएफ के नाम से। और कैलकुलेशन जो होती है इसका बेसिक और डीए पे 12% डिडक्ट किया जाता है, इससे लिए हम लेंगे ऐसे कंप्यूट वैल्यू, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। और एक फार्मूला सेट करना होगा
इसलिए ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला पे हेड में हम बेसिक और एड पे हेड में डी ए एंड अप लिस्ट एंड यहाँ पर हम लेंगे परसेंटेज 12%। तो इस तरह से हम पे हेड को रेडी करते हैं। आज आपने टेली ईआरपी में पेरोल में देखा है कि किस तरह से हमने वर्क यूनिट को रेडी किया है और किस तरह से हमने अटेंडेंस टाइप को रेडी किया है और किस तरह से हमने पे हेड रेडी किया है। नेक्स्ट पेरोल पार्ट टू में हम देखेंगे कि किस तरह से एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय और कैटेगरी रेडी की जाती है और किस तरह से उसमें वाउचर एंट्री पास की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेरोल अकाउंटिंग इन टेली ईआरपी।